अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर अवश्य करें। मैं उस महनीय रचनाकार को आमंत्रित करना चाहता हूँ। मुनव्वर राणा साहब लिखते हैं कि किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। हमारी महफिलों में ये बड़े बूढ़े जरूरी हैं, हमारी महफिलों में ये बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर यही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। एक बार जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करें। माँ शारदे को नमन करता हूँ। जितने भी विशेष श्रोता बचे हैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ और पंकज भाई को बहुत बहुत बधाई। देखिए, हम तो उस जमाने के कवि हैं कि हमारे घर में एक छोटा सा फिलिप्स का रेडियो था और कभी कभी विविध भारती पे गाने आते थे। हमें तो दूसरा चैनल भी नहीं पता था, विविध भारती पे गाने सुन लिए। तो इससे पहले कि पिताजी आ जाएं, हम जब रेडियो बंद करते थे तो याद रखते थे कि बस जहाँ समाचार आते हैं वहाँ हमें वो सुई लगानी है। आज बधाई देता हूँ पंकज को भी और पंकज के माता पिता को भी कि इतनी सहजता से आप उन्हें सुन रहे हैं। जमाना बदल गया है और वक्त के साथ यदि व्यक्ति बदलता है तो बहुत अच्छी बात है। एक बार पंकज के सम्मान में ताली बजा दीजिए। मुझे वरिष्ठ कवि बार बार कहा गया है, ये सच्चाई है कि ये तो मेरे बच्चे के समान ही हैं सारे के सारे। मेरे समक्ष ही उन्होंने पढ़ना लिखना आरंभ किया, लेकिन मुझे खुशी है अब चाहे मैं कविता ना भी पढूं, दो शब्द आपके सामने कह के चला जाऊं तो मुझे खुशी होगी। क्योंकि जब मैंने शुरुआत में पीयूष को देखा था, कुशल को, पंकज को, बहुत अटपटी सी कविता लिखते थे और आज स्थिति ये है कि देश के बड़े बड़े चैनल, देश के बड़े बड़े पत्रकार इनकी कविता को कोट करते हैं। मुझे सौभाग्य है कि ऐसे बच्चों से मेरा भी नाता है। एक बार ताली बजा दी इनके सम्मान में। दोस्तों, आदरणीय भाई साहब, अरे बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बधाई आपको पुनः। मैं बस दो चार मातृशक्ति बैठी हैं, हर एक कवि ने कहीं ना कहीं माता के बारे में जिक्र किया। मैं चार पंक्ति से आरंभ करना चाहता हूँ, चूँकि बच्चों ने मेरे बारे में बहुत कुछ बता दिया है, गंभीरता की बात कर दी है, तो अब मैं कोई इस तरह की बात नहीं करूँगा कि कहीं मेरी वरिष्ठता डाउन हो जाए। तो मैं वरिष्ठता का एहसास करते हुए ऐसी कविता आपके समक्ष पेश करना चाहता हूँ। चार पंक्ति जुड़िए जितनी माताएं बहनें, बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं लेता। मेरी खूबी यही है कि मैं जितना कहता हूँ मंच पर उतना ही पढ़ता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं नहीं पढ़ता। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आशीर्वाद दे दीजिएगा। कि कलियां बगियां और सुहाना मंजर है, कि कलियां बगियां और सुहाना मंजर है, अपनी धरती और अपना ही अंबर है, उसको सारी दुनिया एक जन्नत सी है, माँ की गोद में जिसने रखा है सर है, माँ की गोद में जिसने भी रखा सर है, माँ की गोद में जिसने भी रखा सर है। दोस्तों, अब थोड़े से बड़े हो गए हैं, वो चीज़ें सब याद आती हैं जब माँ के साथ रहते थे। एक छोटे से गांव में पैदा हुआ और आपके शहर दिल्ली में आ गया, एक छोटी सी नौकरी यहाँ पे कर रहा हूँ। अब क्या स्थिति है कि स्वप्न सलोने अब मुझको नहीं आते हैं, स्वप्न सलोने अब मुझको नहीं आते हैं, कोई खिलौने अब मुझको नहीं भाते हैं, फिर भी एक बच्चा सा मुझ में जिंदा है, बचपन के वो खेल सभी तड़पाते हैं, बचपन के वो खेल सभी तड़पाते हैं, बचपन के वो खेल सभी तड़पाते हैं। और दोस्तों, मेरे जितने भी बुजुर्ग साथी आदरणीय केसी रवि जी बैठे हैं, आप कहीं ना कहीं उस समय को याद कीजिए और आज की परिस्थिति को याद कीजिए। इतनी दूर से हेमंत भाई आया है, मैं आपका स्वागत करता हूँ। ऐसे श्रोता नहीं मिलते, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, जहाँ जहाँ कुशल भाई जाता है केवल कविता सुनने के लिए आ जाता है। एक बार इसके सम्मान में तालियां बजा दीजिए साहब।
कि होटल रेस्टोरेंट में ना मिल पाती है। अपनी परिस्थितियां देखिए, जुड़िए मेरे साथ, कि होटल रेस्टोरेंट में ना मिल पाती है, कोई रोटी पेट नहीं भर पाती है, जो चूल्हे के पास बैठ कर खाई थी उस रोटी की याद बहुत ही आती है, उस रोटी की याद बहुत ही आती है, उस रोटी की। दोस्तों आप अपनी माँ को याद कीजिए। हम जब गांव में थे क्या स्थिति थी, चार पंक्ति देता हूँ कि पगडंडी से चले हुए रागीर थे, छोटे से गांव से चलकर एक बहुत बड़े शहर में आ गए हैं, लेकिन क्या क्या हम छोड़ आए हैं, क्या क्या हम याद करते हैं कि पगडंडी से चले हुए रागीर थे, हम अब गरीब हैं या तब फकीर थे, और एटीएम पड़ा है जेब में पर अनमने से हैं, और माने दिए थे पैसे तो कितने अमीर थे, माने दिए थे पैसे तो कितने अमीर थे, माने दिए थे पैसे तो कितने अमीर थे। दोस्तों नहीं नहीं प्लीज, कोई बात नहीं, देखिए समय नहीं है, लोग जैसा माहौल है, आप लोगों ने इतना अच्छा आशा दिया, मेरी आवश्यकता नहीं, आप संपूर्ण हैं, और मुझे खुशी है कि ऐसे मेरे बच्चे इतने शानदार पढ़ रहे हैं, मुझे अब हास्य कविता पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। बस एक एक छोटा सा गीत मैं आपका स्थान लूंगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा दूर जाना है, उस समय हो गया है, बार बार फोन आ रहे हैं, बस एक छोटा सा गीत, गीत की भूमिका में मैंने आपको चार मुक्तक पढ़ी दिए। मैं एक गांव से यहाँ शहर में आया, मेरी माँ आज भी गांव में है। चार बस एक छोटा सा गीत उस माँ को याद करते हुए, जहाँ जहाँ जो मेरे साथी जैसे बुजुर्ग बैठे हैं, जिनकी माँ है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन माँ की स्मृतियाँ हमेशा हमेशा जिंदा रहती है, चाहे वो हो या ना हो। तब एक छोटा सा गीत आपको अर्पित करता हूँ, आपको ताली बजाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन गीत के साथ थोड़ा सा मुखर रहिए बस, जहाँ अगर आपको अच्छा लगे तो बस आप अगर सुन लेंगे तो मेरा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। एक बार शुरुआत में ताली बजा दीजिए, बाद में बिल्कुल नहीं कहूँगा। बादल जब छाए धरती में, कि बादल जब छाए धरती में, नमी से आती है, ऐसा लगता दूर गांव से माँ बुलाती है, ऐसा लगता दूर गांव से माँ बुलाती है। कैसी स्थिति है साहब शहर में, कि खाली कटोरी बिना दही की, दूध में जब शक्कर भी नहीं थी, बच्चों ने तब एक सुनी ना, कोई चीज भी ला कर दी ना, सब कुछ खाया शेष नहीं कुछ, बात तो यूं भी विशेष नहीं कुछ, खाली कटोरी लुढ़क के मेरे पास जब आती है, ऐसा लगता दूर गांव से माँ बुलाती है, ऐसा लगता दूर गांव से माँ बुलाती है। और दोस्तों क्या स्थिति है, आप जानते हैं, जो लोग गांव में रहे होंगे, गांव में बड़े बड़े कमरे होते हैं, यहाँ 50 लाख का मकान लोगे लेकिन 2 कमरे होंगे, सूरज और चांद के आपको दर्शन नहीं होगे। ऐसी स्थिति, ये बात अलग होती है कि हमारी 1-1.5 लाख रुपये तनख्वाह होती है, लेकिन जो वहाँ सुख था वो सुख आपको ही नहीं मिलेगा। तब मैं कहना चाहता हूँ कि जीवन के एकाकीपन में, जीवन के एकाकीपन में, गमले वाले इस आंगन में, जहां धूप के बिना रोशनी, जहां चांद के बिना चांदनी, बिस्तर हो पर नींद नहीं जब, बिस्तर हो पर नींद नहीं जब, सपनों की उम्मीद नहीं जब, और ख्यालों की कोयल जब लोरी सुनाती है, ऐसा लगता दूर गांव से माँ बुलाती है, ऐसा लगता दूर गांव से माँ बुलाती है। और दोस्तों क्या स्थिति है, सब भले मैं बचपन से ही इतना कमजोर था, लेकिन मुझे कोई बीमारी नहीं हुई, आज लग 50वां साल मुझे चल रहा है मेरी उम्र का, कभी मैं बीमार नहीं हुआ साहब जब तक गांव में रहा, लेकिन यहाँ जैसे ही आया, पहले दिन ही 2-4 महीने रहे, डॉक्टर ने कह दिया जी घी खाना छोड़ दो, क्योंकि ऐसा है गैस बन जाएगी, और यहाँ आते ही गैस बननी शुरू हो गई थी। हालांकि आज भी ईश्वर की कृपा दृष्टि ऐसे कि बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन ये गैस वैस ये शुरू हो गई है साहब।
तब मैंने लिखा कि घी के लड्डू घी की रोटी, घी के लड्डू घी की रोटी, कुछ छोटी कुछ मोटी मोटी, पूरे गांव में बट जाती थी अपनी खुशियां छोटी छोटी। घी से बढ़ती हो दूरी जब सूखी रोटी मजबूरी, जब गलती से जब चुपड़ी रोटी सामने आती है, ऐसा लगता दूर गांव से माँ बुलाती है, ऐसा लगता दूर गांव से माँ बुलाती है। दोस्तों मैं जानता हूँ ये हकीकत आपके सामने होगी, करोड़ों रुपए आपकी जेब में होंगे लेकिन आप रोटी सूखी ही खाते होंगे साहब। ये स्थितियां है शहर के उस जगह को छोड़ अंतिम चार पंक्त देता हूं, मुझे आशीर्वाद के साथ विदा करना साहब। बहुत कुछ है मेरे पास, 1,00,000 रुपए तनख्वाह भी है, मकान भी है, लेकिन क्या नहीं है वो आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। कि धुआं धुआं कहीं नहीं है, धुआं धुआं कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी दम घुटता है, पंखे एसी चला लिए सब, लेकिन ताप नहीं मिटता है, अंदर बाहर बेचैनी, जब किससे कह दूं क्या कहनी, अब तभी अचानक माँ की फोटो सामने आती है, ऐसा लगता दूर गांव से माँ बुलाती है, ऐसा लगता दूर गांव से माँ बुलाती है, ऐसा लगता दूर गांव से माँ बुलाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आज के जितने भी आयोजक हैं संयोजक हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक कमेंट्स और शेयर अवश्य करें।